ओके देखिए क्या होता है, वेयर वी लर्न ना, वी आर नॉट हैविंग एक्चुअली द टारगेट. जब हम लर्न करते हैं सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम टारगेट नहीं बनाते अपना. कि हमको अगर सपोज मेरे को वामिका से मिलना है, ठीक है, ये मैं हूँ यानी आई और ये है वी यानी वामिका, हमको वामिका से मिलना है तो हमने ये टारगेट लॉक कर दिया कि आई एम टू मीट वामिका ओनली. ठीक है, अब यहाँ पर तिश्या आ जाए, यहाँ पर अलसिपा आ जाए, यहाँ पर चांदनी, चाहत, श्रेयांश, मिताली कोई भी आ जाए, हमको ना यहाँ देखना है, ना यहाँ देखना है, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, कहीं भी नहीं देखना है हमको. सीधा किसको देखना है? वामिका को, क्योंकि टारगेट हमने कहाँ लॉक किया है? गेम खेलते हो ना? कितने लोग वीडियो गेम वगैरह खेलते हो? कितने लोगों ने खेले हैं? मैंने तो बहुत खेला था बचपन में. तो गेम्स में भी जब हम जीतते तभी है जब हम वहां पे अपने टारगेट को लॉक कर लेते हैं. अगर हमको पता है कि हमें जीतना है तो देन वी आर टू लॉक दैट विनिंग, राइट. अब क्या होता है जब हम दौड़ना जाते हैं या कहीं भी कुछ करते हो तो वही टारगेट तो होना चाहिए ना हमारे पास. जब हम पढ़ते हैं तो हमको प्रॉब्लम ये आती है कि हमको समझ नहीं आता हमें जाना कहाँ पे, कैसे लर्न करें, कैसे क्या. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी, है या नहीं? अब अगर हम क्लास के अकॉर्डिंग भी जाएंगे तो देखो, जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ेगा उसको भी लर्न करना है, जो टेंथ में पढ़ेगा उसको भी लर्न करना है, तो लर्न से तो बच्चा भाग ही नहीं सकता है. मैं कह रहा हूँ आप 12th पास आउट कर लो, उसके बाद भी जब भी पढ़ोगे तो लर्निंग तो आपका पीछे छोड़ने नहीं वाली, नहीं आ रही ना. तो इसको अब कैसे, मेन प्रॉब्लम है इसको हम लॉक करें तो लॉक करें तो करें कैसे, ठीक है. इसका सिंपल तरीका होता है हमें ना कोई काम एक कंटिन्यूसली वे में करना है. कंटिन्यूसली वे मतलब रेगुलरली करना है, ठीक है. हर एक चीज अगर हम रेगुलरली वे में करेंगे तो डेट विल हेल्प यू एंड इट विल क्रिएट यू अ लॉट, मतलब इट विल हेल्प यू अ लॉट. मीन्स अगर मुझे इंग्लिश पढ़ाना है तो मैं आज पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, कल थोड़ा उससे ज्यादा, कल थोड़ा उससे ज्यादा. लेकिन अब मेरे को तो खैर इंग्लिश आती है तो मैं कहीं भी लेवल से पढ़ा सकता हूँ. लेकिन अगर इनमें से कोई बच्चा है, जैसे अगर सपोज वामिका है, इंग्लिश पढ़ाना चाहती है, ठीक है, नहीं वामिका को थोड़ा टिस्या पढ़ाना चाहती है, आज वो बन के ही बैठी ना. सो टिस्या इंग्लिश पढ़ाना चाहती है और उसकी स्टूडेंट बन रही है अलसिपा, ठीक है. तो अब टिस्या का टारगेट होगा कि अलसिपा को हमको इंग्लिश सिखाना है एनी हाउ, तो अलसिपा को लॉक कर देगी वो. कैसे? टू टीच हर स्पोकन इंग्लिश, मतलब अलसिपा टिस्या ने अलसिपा को लॉक कर दिया, आई एम टू टीच हर स्पोकन इंग्लिश, दैट्स इट. अब तरीके टिस्या को ही फाइंड आउट करना होगा हाउ टू टीच हर इंग्लिश. हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टिस्या को ही मेहनत करनी होगी, यहाँ पे अलसिपा को भी मेहनत करनी होगी, लेकिन अलसिपा के साथ साथ उसकी जो टीचर होगी उसको भी मेहनत करनी होगी, राइट. क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करें सो वी हैव मेनी एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनमें से कुछ आप लोग भी हो जो स्टार्टिंग में थे, उनको बोलना भी नहीं आता था, डरते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, ये सारी चीजें आप लोग के अंदर प्रॉब्लम थी ना. Yes, sir. कुछ में कॉन्फिडेंस था लेकिन आती नहीं थी. Yes, sir. लेकिन अब आने लगी ना, क्यों? Yes, sir. अब जैसे उस दिन याद है लास्ट क्लास को फ्राइडे को मैंने देखा ना, दो बंदर बोल नहीं पा रहे थे ठीक से, एक बंदर एक, ठीक है, एक तो हमारी अभी है क्लास में, एक आज उसका बर्थडे है तो गायब है, ठीक है, अजिंक एंड टिस्या, राइट, दे वर नॉट एबल टू स्पीक. बट मैंने वहां पे अब मेरे को मैंने अपना टर्न थोड़ा सा चेंज किया ना, तो जब मैंने उस चीज को चेंज किया, मतलब मैंने रास्ता चेंज नहीं किया, मतलब मैं वामिका से मिलने जा रहा हूँ वो चेंज नहीं किया मैंने, मैंने सिर्फ उस पर कैसे चलना है वो अपना व्हीकल चेंज कर दिया. यहाँ पर मैं यहाँ पे आई से वी से मिलने जा रहा हूँ तो कोई ना कोई तो यहाँ पे मीडिएटर होगा ना मिलाने के लिए हमको, या हमारी गाड़ी होगी, कोई ना कोई तो चीज होगी ना. पहले मैं चल रहा था बाइसिकल के साथ, बाइसिकल कैसे बनती है, ऐसे ऐसे बाइसिकल, ओके. तो ये मैं पहले चल रहा था बाइसिकल से, फिर मैंने सोचा बाइसिकल से अच्छा है बाइक को यूज करेंगे, अभी मैंने सिर्फ बाइक यूज की है ये. अब ठीक है, ये बाइक आ गई, ओके. तो अब मैंने बाइक का यूज किया है किसको, पहुंचने के लिए वामिका के लिए, यानी मैंने उस दिन बाइक का यूज किया था किसको समझाने के लिए, टिस्या को और अजिंक को समझाने के लिए, और थोड़ा बहुत कहूंगा मैं उनको समझ भी आया था, लेकिन टाइम उन्हें बढ़ा दिया था जिस वजह से उन्होंने इसको कर लिया, समझे.
तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की ना, समझ ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो कभी अपनी व्हीकल को ही चेंज नहीं करते, यानी अपना जो माध्यम है, जो मीडिएटर है उसको चेंज नहीं करते हैं। हम उनको पता है कि मैं देख कर देखने से याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो देखते रहेंगे उसे ऐसे, तो देखने से याद नहीं होगा ना, हम पढ़ेंगे तो याद होगा। अब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एक बार पढ़ते हैं उसको एक बार में याद हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 बार ही पढ़ेंगे तो भी याद नहीं होता है, राइट ना। तो उनका पढ़ना बेकार नहीं है, तरीका चेंज करना होगा, समझे। सिंपल तरीका अगर आपका कोई भी होगा, जैसे मैंने क्या कहा, अगर मैं बाइसिकल से लेके जाऊंगा तो प्लेन तक के हमारे पास व्हीकल हो गए बालिका से मिलने तक के लिए, ठीक है। तो सेम आपके पढ़ने के भी मीडिएटर बहुत सारे होंगे व्हेन यू वांट टू लर्न एनीथिंग। तो अपना एक वे बनाओ, अपना एक व्हीकल बनाओ। तो अपना एक वे बनाओ हाउ टू लर्न द थिंग एंड हाउ टू रीच योर टारगेट। If you will reach and able to make your target, definitely you can get success. Means you have to make a simple your vehicle. अपना गाड़ी बना ना, अपना bicycle बनाओ, plane बनाओ, bus बनाओ, train बनाओ, जो बनाना हो वो बनाओ। मतलब इस vehicle का मतलब ये है, this is your strategy. ये क्या है आपकी strategy? How to meet Mamika? How to reach? How to learn the things? How to get the knowledge? ये आपके टारगेट दैट शुड बी लॉक इन योर ब्रेन, समझे। आप सपोज मैं वामिका का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे वामिका का याद आ गया अभी, और भी बच्चों को मुझे पता होगा, जैसे वामिका मुझसे कहती है कि उसको मतलब बस नहीं, उसको प्लेन में पायलट बनना है, राइट। तो अब उसको पता है उसका टारगेट अभी लॉक है, लेकिन अभी पायलट बने या ना बने इसका अभी उससे कोई मतलब नहीं है। तो पायलट तो अभी वो, क्योंकि उसको पता है 12th पास करने के बाद ही वो पायलट के लिए तैयारी करेगी जब, ठीक है। तो अभी पायलट पे तो वो ध्यान देगी नहीं, तो अब ध्यान किस पर देगी? तो वामिका यानी आप सभी बच्चों को वहां पर ध्यान देना होगा आपके गोल पर। गोल मतलब आपकी क्लास। अभी जैसे तिस्या है सेकंड क्लास में है ना, तो तिस्या को सेकंड क्लास में है, तो उसको टारगेट लॉक करना है कि हमको अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है। कौन सी रैंक लाना है? फर्स्ट रैंक। तो अब लॉक उसको क्या करना है? फर्स्ट रैंक, ठीक है। अब उसका यहाँ पे सब बच्चों का लॉक क्या हो गया? फर्स्ट रैंक लॉक हो गया। चलिए लॉक बना देते हैं, ये लॉक, राइट, ठीक है। अगर इसको अभी लॉक है, अगर इसको ओपन करेंगे तो आप इस टाइप से इसको ओपन भी कर सकते हो, ऐसे ही होता है ना ओपन, ठीक है। ये ओपन हो गया, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमको इसकी जरूरत है वी हैव टू लॉक दैट थिंग, राइट। So, अब यहाँ पे आई मतलब आप सभी लोगों, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं, आपके अकॉर्डिंग आप, राइट। तो आपको लॉक करना है फर्स्ट रैंक। अब स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? दैट यू हैव टू नो। अगर हमको एक बार पढ़ने से याद नहीं हो रहा, हम वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करेंगे। कैसे? हम सीधे चल रहे हैं रास्ते पे, ये चल रहे हैं ऐसे, हम पहले बिल्कुल सीधे चल रहे थे, सीधे चलना समझना, यहाँ से बिल्कुल सीधे चलना मतलब। अब एक बार और समझना, हम अगर वामिका के पास जा रहे हैं, फर्स्ट रैंक के पास जा रहे हैं, हमको रास्ते बिल्कुल आराम से बढ़िया रोड मिल गई, बहुत ही अच्छी रोड मिल गई, ठीक है। और हम ये लिया और ये हम फर्स्ट रैंक और वामिका के पास पहुंच गए, मजा आया? नहीं आया, नहीं आएगा। जब भी कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति आराम से वो चीज अचीव कर लेता है ना, उसको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दे विल नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। अब अगर रास्ते में ना सपोज गड्ढे हो, क्या हो? गड्ढे, ठीक है। और ये मैं जा रहा हूं अपनी गाड़ी चलाते, एक गड्ढे में जंप, दूसरे में, तीसरे में, और ये जंप करते 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 मैं पहुंचा, ठीक है। तो ये पल मेरे लिए यादगार होने वाला है, दिस मोमेंट विल बी मेमोरेबल फॉर मी। व्हाई? बिकॉज आई गेट पिट ऑन दैट रोड, मतलब मुझे गड्ढे मिले उस रास्ते पे, तो मुझे गाड़ी तेज करना पड़ी, फिर स्पीड बढ़ाने की, फिर तेज करना पड़ी, फिर स्पीड। तो ये मेरे साथ प्रोसेस हुई वहां पर, और जब ये प्रोसेस हमारे साथ हुई तो हमको ये रास्ता मेमोरेबल भी बन गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर चलते चलते अब जब भी मैं वामिका यानी वामिका से या फर्स्ट रैंक से मिलूंगा, तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे इस पोजीशन पे आके, पता मुझे वामिका या फर्स्ट रैंक तक आने में बहुत सारे गड्ढों का सामना करना पड़ा। अब गड्ढे मतलब ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब अ थिंग विच स्टॉप यू टू गो ऑन दैट वे, मतलब एक ऐसी चीज जो आपको रोकती है यहाँ पे जाने से। ये जो ऑब्स्टिकल है ना,
ये वही होते हैं। अब ऑब्स्टिकल आपके लिए बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके नेबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल एनीबॉडी कैन बी योर ऑब्स्टिकल, मतलब रुकावट। ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है, रुकावट, क्योंकि ये गड्ढे क्या है, गाड़ी को रोकी तो रहे हैं, इट्स स्टॉपिंग या नॉट। सपोज अलसिफा साइकिल चला रही, बढ़िया, उसको बहुत अच्छी स्मूथ रास्ता मिल गया साइकिल चलाने के लिए, और उसने लिया गली पैडल मारे और पहुंच गई वो, लेकिन मजा नहीं आएगा। जहां उसको गड्ढे में जा रही, उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, यानी बॉडी को थोड़ा सा पेन देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं बाइसिकल के, हमारे फिंगर्स तो मूव होते हैं ना, तो ऑब्स्टिकल समझ रहे हो। तो हमने ब्रेक लगाए तो क्या हुआ यहाँ पे हमारे साथ, जब हमने ब्रेक लगाए तो हमारी फिंगर्स में एक स्ट्रेच आया, आया या नहीं, जब स्ट्रेच आएगा तो हमारी फिंगर्स हमारे हैंड से कनेक्ट होके, जो हमारी क्या होता है इसमें नर्व सिस्टम होता है ना, जैसे अगर मैंने ये है ना यहाँ पे छोटी सी पिन लगाई और मुझे चुभन हुई, तो मैंने आप लोगों ने जैसे किसी को, जैसे वामिका को लग गया अगर पिन लगी, तो उसने तुरंत चिल्लाया आउच, राइट, क्यों, क्योंकि उसको पेन हुआ, यानी उसके नर्व सिस्टम ने काम करना स्टार्ट कर दिया। नर्व सिस्टम, क्योंकि आपका जो नर्व सिस्टम होता है वो आपके ब्रेन में होता है, जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। सेम यहाँ पर भी यही होता है, यहाँ पर जब ऑब्स्टिकल है, रुकावट आएगी, तो आपका नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो आपको ना यहाँ पे जब ऑब्स्टिकल मिलेंगे ना, व्हेन यू विल टेक द ऑब्स्टिकल, सो योर Your nerve system will activate. अब जब ये activate हो जाएगा, तो it means you are going on the correct path. ये ध्यान रखना। अगर suppose आपका ये activate नहीं हो रहा, तो you are going on the wrong direction. मतलब यहाँ पे आप किस तरह से मिलने जा रही हो, या फिर चार से या चांदी से, अगर nerve system activate नहीं हो रहा है, मतलब you are on the wrong direction. Simple language में क्या है, आप wrong direction पे हो, अगर obstacle आते हुए भी आप उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे हो, समझे। अब प्रॉब्लम है कि ये नर्व सिस्टम एक्टिवेट तो हो गया, लेकिन हम पता कैसे करेंगे, राइट। सो इसका सिंपल और तरीका ये होता है कि जब आप अपने रैंक पे यानी अपनी पोजीशन से जा रहे हो, सो देयर अगर आपको वो चीज समझ में आ गई, और समझ में आना मतलब ऐसा समझ में नहीं आना है कि हमने आज पढ़ा और कल हम भूल गए, क्या आज पढ़ा, राइट। ये मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, तो ये मतलब कहता है आपको कि आपका जो नर्व सिस्टम है, दिस इज नॉट एक्टिवेटेड, ये अभी क्या नहीं हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। और आज आपने पढ़ा और कल या मैं करूँ आफ्टर 10 डेज बाद भी आपके टीचर ने उस क्वेश्चन को पूछा एंड यू हैव रिप्लाइड इट, मैटर नहीं करता पूरा पूरा रिप्लाई दिया, थोड़ा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 80 से 85% अगर आपने रिप्लाई कर दिया, तो इट मीन्स योर नर्व सिस्टम इज एक्टिवेटेड, राइट। पता है इसमें भी इतना नर्व सिस्टम के अंदर भी दो चीजें आती हैं, एक होता है ये हमारा, सपोज जस्ट मान लो आपका ब्रेन, क्या है ये ब्रेन, ऐसे ही होता है ना, कद्दू जैसा ही होता है, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, ये ब्रेन है। तो ब्रेन में भी ना टू चीज, टू थिंग्स आर देयर, एक होता है कॉन्शियस माइंड, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, देखो। अब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर ध्यान से समझना सभी के सही बच्चे, जिसको नींद आ रही तो क्लास लीव करके सोने चले जाना, बट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड यही आपके लर्निंग की पावर को बताता है। अब बॉस कितने लोगों ने इस चीज को सुना है कभी, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड को कितने लोग जानते हैं क्या होता है, अगर पता है किसी को, नोबडी नो, राइट। तो कॉन्शियस माइंड, आपने कोई चीज लर्न की और आप भूल गई, आपने कोई चीज लर्न की एंड यू हैव फॉरगॉटन, मींस दैट थिंग हैज गॉन इन योर अनकॉन्शियस माइंड, वो कहां पर गई, अनकॉन्शियस माइंड, कौन से माइंड में गई, और
ये देखो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, तो आपको वो चीज जो अनकॉन्शियस माइंड में गई, मतलब वो चीज ऐसी है जो आपने सोची और भूल गए। हमको चीजों को कैटेगराइज करना होगा, वेयर वी हैव टू कीप इट, हमको चीजों को समझना होगा कि हमें उसको कॉन्शियस माइंड में डालना है या अनकॉन्शियस माइंड में डालना है, राइट right? इसको भी समझना होगा। जैसे जैसे डस्टबिन होता है, यस सर, हम उसमें सारा कचरा डाल देते हैं डस्टबिन में, है ना? यस सर, राइट। लेकिन अगर हम प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन है तो हमको ना डस्टबिन में डस्टबिन के अकॉर्डिंग कचरा डाला जाता है। एक साइड होता है यानी जो आपका वेट गार्बेज होता है, लाइक आपकी ग्रीन वेजिटेबल और भी कोई जो आइटम है, वो हम यहाँ पे एक डस्टबिन में रखेंगे। और एक होता है प्लास्टिक वाला, जो कचरा पॉलीबैग या कुछ भी होता है ना प्लास्टिक आइटम, हम उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो इट विल क्रिएट अ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन करेगा, स्मेल आएगी आपके डस्टबिन में। अगर हम उसको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, डेफिनेटली इट विल नॉट पॉल्यूटेड। सेम आपका कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है, यहाँ पर भी अगर आप चीजों को प्रॉपर मैनर में नहीं रखोगे तो ये पॉल्यूटेड होगा, ये आपके आपके दिमाग में ना मैस क्रिएट करेगा, मतलब खिचड़ी बना देगा, अपने तुमने पका के खा जाना। So, अब चीजों को ना कैटेगराइज करना सिंपल करो। हमें पता है कि पढ़ाई यानी स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो हमें पहले तो अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। शांत रखने के लिए बहुत से तरीके हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। और माइंड को ना उस जगह पे जब पढ़ रहे हो ना, ऐसी जगह पे बैठो वेयर यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ नॉइस, कोई भी फालतू की आवाज नहीं आ रही हो कुछ भी। अगर ऐसी जगह नहीं है तो अपने कानों को बंद करो किसी भी चीजों से, मतलब यानी कि हाथ से बंद कर लो और अपने कहो सर आपने कहा था आस पास, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग सोचो, अपने कानों को बंद करो या वो भी जस्ट फाइंड द वे वेयर यू कैन गेट अ पीस एंड ऑल द थिंग। जब आप पीसनेस देखोगे ना, तो जो भी आप लर्न करोगे दैट ऑल द थिंग विल गो इन द कॉन्शियस माइंड। और जब वो चीजें कॉन्शियस माइंड में गई, तो कॉन्शियस माइंड में जाने के बाद सीधा आपका नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा, नर्व सिस्टम एक्टिवेट होने का दैट विल दैट थिंग यू विल गेट डेफिनेटली। और अगर वो चीज अनकॉन्शियस माइंड में गई, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में मतलब वही चीज है कि जो आपने आंख पढ़ाओ कल आप भूल गए, तो वो थिंग कहां पर है आपकी? अनकॉन्शियस ब्रेन में, अनकॉन्शियस माइंड में। तो चीजों को कैटेगराइज करना शुरू करो। अपने दिमाग में कंप्यूटर होता है ना, समझ ये समझो तुम्हारा ब्रेन है, योर ब्रेन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंप्यूटर। हम पिक्चर्स को आज जैसे सपोज इट्स 2020, ठीक है? इससे पहले 2021 था, उसके पहले 20 था, 2018 और ईयर्स आते गए, राइट? यस सर। तो अभी मेरे पास अगर मैं थोड़ा सा एस्टिमेशन लूं, तो मैं 2015 या 14 की बात करूंगा अपना, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरे पास स्टार्टिंग में आई थिंक 5 स्टूडेंट एंड देयर नेम वाज यस ओम देव एंड आदित्य एंड वन आई एम फॉरगेटिंग बिकॉज़ ही वाज नॉट स्टडिंग प्रॉपर, सो उसका नाम याद नहीं है मुझे। वो बच्चा जो पढ़ता नहीं था तो नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो 4 बच्चे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे और बढ़े और लेकिन उन सभी बच्चों से लेकर अभी तक की जो भी ज्यादातर बच्चों की मेरे पास पिक्चर है, और मैंने क्या कर रखा है, उन सभी बच्चों की पिक्चर क्लियरली सेव कर रखी है। कभी 2014 में मुझे को जो बच्चा मिला उस फोल्डर में 2014 का, 2015 की, 16 की, 17 की, 18 की, मैंने उसको कैटेगराइज कर रखी है। अब मुझे पता है कि 2014 में मेरे को वामिका मिली थी, ठीक है? नहीं वामिका तो होगी नहीं उस समय, तो कौन चाहत की बात कर लेते हैं, राइट? चाहत, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? 2010। चलो, तो 2010 में यानी तो मुझे चाहत मिली 2014 में, तो मैंने उसको पढ़ाया, उसी बच्चे मेरे पास है। तो मैंने उस चीज को कैटेगराइज कर दिया ना कि 2014 में चाहत, 2015 में तिस्या, 2016 में अल्जिबा, मतलब आप लोग समझना चीजों को कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, है ना? अभी मेरे को आप लोग सब मिले हो, अभी जब चाहत का बैच स्टार्ट हुआ था उस समय भी अप्रोक्सीमेटली मेरे पास इतने स्टूडेंट थे, 8 या 9 भी थे उस टाइम, है ना? बहुत सारे बच्चे चाहत के साथ ही छोड़ते चले गए, क्या क्या नाम था, एक तो खुशबू, अमन, और एक उसकी बहन भी थी, वो ज्यादा पढ़ी नहीं थी, और एक वो पीहू करके भी आई थी कोई बच्ची, तो बहुत सारे, हाँ तो बहुत सारे बच्चे आए, तो दिमाग में है सभी, लेकिन कैसे? क्योंकि मैंने उन्हें कौन से ब्रेन में रख रखा है, मुझे पता है कब कौन आया, कब क्या। अब आप लोगों को पता है कुछ भी चीज आप लोग बोलते हो मेरे दिमाग में क्यों रहती है, कि वामिका ने उस दिन ये चीज बोली थी, मिताली ने ये कहा था, या तिशा ने ये कहा था, तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कभी वामिका को अगर वो चीज प्रॉब्लम दोबारा आएगी तो मुझे दोबारा समझ आ जाएगी, क्योंकि वो मेरा फिर यहाँ पे नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और जब नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे चीजें कॉन्शियस माइंड से निकल के हमारे दिमाग में एक्टिवेट कर देती है हमको, मतलब जो चीजें हमें डबल स्ट्राइक करती है ना कोई चीज,
जैसे एक दिन मैं वामिका से मिला, वामिका का नाम ज्यादा आ जाता, वामिका सोचती हूँ कि सर पता नहीं मेरे ऊपर ही रहती है। एक दिन मैं चांदनी से मिला, ठीक है, तो चांदनी ने मुझे को चांदनी सपोज दिख गई पहाड़ के ऊपर, ठीक है, ये मेरे वाला, ठीक है, मिला, मिली मेरे को, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा उस जगह मिल गई, तो मेरे को समझ आ गया कि चाहे चांदनी वही रहती है, ठीक है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ओके, डोंट लाफ वामिका, ठीक है, तो चीज समझ लो, तो वो चीज अब मेरे को अगर एक ही जगह पे दो, एक ही जगह पे दो बार चांदनी दिख गई, तो मेरे को वहां पे एक सिक्योरिटी मिल गई कि मे बी चांदनी लिव्स देयर, या वहां पे वो आती पड़ती है, कुछ करती है वहां पे, राइट, खाना खाती होगी, हो भी सकता, तो चांदनी मेरे को वहां मिली, तो मेरे दिमाग में सीन होगा मुझे चांदनी को मिलना होगा, तो मैं वहां पे जाकर उससे मिल सकता हूँ। तो ये चीज जब मेरे को डबल स्ट्राइक कर गई, तो कहां पे गई सीधी, कॉन्शियस माइंड में, समझिए, That is the small topic of your ranking and your study. और यही लर्निंग से रिलेटेड होता है, आपको चीजें लर्न करना है, स्टडी की सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको कॉन्शियस माइंड में रखना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कब जाके वो कब आपको यूजफुल हो जाएंगी। आज अगर मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे आज आपको पता है बहुत सारी स्कूलों की सडनली छुट्टी हो गई, मेरे को भी नहीं पता क्यों हो गई, ठीक है, लेकिन जब मेरे को पता लगा कि देयर वॉज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर, किसकी, गुरु तेग बहादुर, कौन थे पता है किसी को, गुरु तेग बहादुर आपके वो थे जो पंजाबी लोग होते ना, पंजाबी जो पगड़ी बांधते, उनका जो रिलीजन है वो इन्हीं ने ही स्टार्ट किया था, जैसे आप सभी लोग हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक है, तो आप लोगों का रिलीजन आपको पता होगा किन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन सिर्फ गुरु नानक जी, एक तो गुरु नानक देव जी हैं और एक है गुरु तेग बहादुर, तो सिख जो धर्म है उनको स्टार्ट किया था गुरु तेग बहादुर ने, जो उनके 10th नंबर के वो थे, क्या थे, गुरु, तो उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, क्या है आज उनकी डेथ एनिवर्सरी, मतलब होता है आज के दिन वो मरे थे, ठीक है, ये डेथ एनिवर्सरी, अब ये था उनका, तो इसलिए आज उनके डेथ एनिवर्सरी ओकेजन पे ये आज हॉलीडे स्कूल में डिक्लेयर किया गया, वो पता नहीं पहले नहीं होता था, इसी ईयर से हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये सब क्योंकि गुरु नानक जयंती पे तो आप लोगों के हॉलीडे होते ही है, तो ये चीजें थी हमको, अब लेकिन मुझे ये बस मुझे किसी बच्चे ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जो है आज उनके वजह से छुट्टी हुई, लेकिन मेरे दिमाग में ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ गई थी कि कौन थे गुरु तेग बहादुर, वो सिख गुरु थे, पर सिख गुरु नहीं, मतलब सिखों के 10th नंबर के गुरु थे और उन्होंने उनको मारा गया था, और ये सब चीजें क्योंकि मैंने पढ़ी थी, और क्योंकि पढ़ी थी तो कहां सिर पर रखी थी मैंने उसे, अनकॉन्शियस माइंड। अब बहुत सारी चीजें आप लोग मेरे से पूछते हो, मैं कभी सडनली बता देता हूँ और कभी मैं नहीं बता पाता हूँ, तो डिफरेंस उसमें इतना ही होता है कि कुछ चीजें मेरी कॉन्शियस में थी, कुछ चीजें मेरी अनकॉन्शियस में थी, और वो चली गई, समझे, तो हमको करना यही है कि तो समझे ना, तो हमें आप आज से चीजें कहां सेव करना है, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस, कॉन्शियस नहीं कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, इस चीज को हमेशा याद रखना कि चीजों को अगर आप कॉन्शियस माइंड में सेव करोगे तो आपको हमेशा आप कौन ये चीजों को डेक्सप्रिंगिस करना, वो आपको ही सीखना होगा कि वो चीज आपके लिए सही है गलत है। अब क्या हुआ, मिताली ने श्रियांश को अच्छे से पीट दिया, ठीक है, अब मिताली ने श्रियांश को अच्छे से पीट दिया, तो ये चीज कॉन्शियस माइंड में सेव करने वाली है कि अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड, समझ गए, ठीक है। अब अल्शिबा ने वामिका को एक बहुत ही अच्छे तरीके से विश कर दिया, जिससे वामिका बहुत खुश हो गई, तो ये चीज कॉन्शियस माइंड में सेव करनी है अनकॉन्शियस की, क्यों, क्योंकि जब वामिका जब अल्शिबा का बर्थडे आएगा तो वामिका उसको विश कर देगी, तो ये चीजें इसलिए हमको चीजें समझना है, इसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में और करना है, और जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा तो डेफिनेटली योर नर्व सिस्टम विल एक्टिवेट, और नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो आपको क्या मिलेगा सीधा, देखो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है टू अचीव फर्स्ट रैंक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी का नहीं होता, सबका होता है,
ठीक है, लेकिन कुछ पहुंच पाते कुछ नहीं पहुंच पाते, लेकिन होते तो सभी बच्चे ही ना जो पहुंचते हैं वहां पर, तो नहीं भगवान का ऊपर से आता होगा वो पहुंच जाता होगा, नहीं ना। सो द थिंग इज सिंपल, इट इज क्वाइट क्लियर, होते आप ही लोगों जो यहाँ पे पहुंचते, लेकिन डिपेंड करता है विच स्ट्रेटजी यू आर यूजिंग। अगर अल्चिपा पढ़ रही है तो अल्चिपा यहाँ पे ना तिस्या को देख रही है, ना मामिका को, ना किसी को, सीधा देख किसको रही है, फर्स्ट रैंक को, तो डेफिनेटली अल्चिपा चार एंड एवरी विल गेट योर फर्स्ट रैंक। ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनको एंजॉय करो, ऑब्स्टिकल आने ही चाहिए, रास्ता सीधा मिल जाएगा मजा नहीं आएगा, तो ऑब्स्टिकल भी आने चाहिए, ऑब्स्टिकल मतलब आपके रास्ते में गड्ढे, ठीक है। नाउ एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नो सर। No, sir. So today I am going to over this class now because I have to go somewhere. So if anybody wants to ask anything, they can ask. No.